डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आप देख रहे हैं युफ तरंग और मैं हूं आपकी होस्ट छवि सहाय हम सभी के हाथों में स्मार्टफोन्स हैं उन स्मार्टफोन्स में कई सारी एप्लीकेशंस हैं कई सारी वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते, है। है करते हैं हम में से कुछ लोग हैं जो नए दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम में से कुछ लोग हैं जो जॉब्स ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग तो जीवन साथी भी ढूंढने लगे हैं इन एप्स के थ्रू अब ये जो सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल करना क्या हमारे लिए वरदान है क्या हमारे लिए अभिशाप है आज के शो में इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं सैयद फैजान रजा साहब बहुत बहुत Thank स्वागत you. है आपका Thank इस you. शो में आ, सर मैं ये देखती हूँ कि आजकल जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है लोगों की कि छोटी छोटी, -छोटी खुशियों के लिए छोटे छोटे अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो बच्चे भी इनफैक्ट पहले खेलना पसंद करते थे बड़े भी आपस में एक दूसरे को फोन करना पसंद करते थे लेकिन अभी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन पूरा सोशल मीडिया हो जी, चुका जी, है जी, तो ये डिपेंडेंसी आपको क्या लगता है कहाँ तक ठीक है अ, मेरे हिसाब से पहले हम तो ये समझ लें कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया है क्या जी मतलब ये एक ऐसे इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम एक दूसरे से बात करते हैं अब आ, उसमें फोटो शेयरिंग है वीडियो भी शेयरिंग है जी। और जो इसका ट्रेंड है बहुत ज्यादा बहुत एक्सपोनेंशियल इसका ग्रोथ हुआ है मतलब अगर आप रि, रिसर्च का डेटा देखें तो 3.8 बिलियन यूजर्स से लेके 4.8 या 4.5 बिलियन यूजर्स अभी तक हैं और अमेरिका के लिए कह रहे हैं कि तक वहाँ पर ऑलमोस्ट टू मिलियन यूजर्स पहुँच जाएंगे हुँ, हुँ। तो ये ये डेटा ये स्टेटिस्टिक्स खुद दिखाती है कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और uh, obviously हम कनेक्ट मेरा जो कहना है कि हम कनेक्ट तो हो जा रहे हैं आने वाले समय में और बढ़ेगा ये नंबर obviously आने वाले समय में और बढ़ेगा ये तो मतलब 2022 या 2023 तक है और ये अब आप समझ लें कि मतलब आ, ग्रोथ कितना ज़्यादा है कि कुछ कुछ आ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो कि सिर्फ और सिर्फ आ, सोशल मीडिया या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो एप्स हैं सिर्फ उनके ऊपर रिसर्च कर रही हैं और 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 काफी पैसे खर्च कर रही है तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से इसने एक्लिप्स कर लिया है हमारी लाइफ को जी, जी। और ऑब्वियसली पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इसके इंपैक्ट्स रहे हैं लाइफ में तो मेरा तो ये मानना है कि ये हमें कनेक्ट तो कर दे रही है मतलब एक एक यूक्रेन में बैठा हुआ आदमी या एक आर्मेनिया में बैठा हुआ आदमी या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ आदमी हम उससे कनेक्ट तो हो जाते हैं

तो मैचोरिटी लेवल बहुत बहुत हद तक उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने मैचोरिटी लेवल पे उसको कंटेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं या कम्युनिकेशन हमारा कितने मैचोरिटी लेवल पे जा रहा है नहीं तो फिर दिक्कत है अभी बात हुई कि, कि कितने वालेबल हैं हम या कितने हम मैच्योर हैं कई जो नए यूज़र्स आते हैं बहुत सारे जो नए बच्चे आते हैं या हम लोग बुजुर्गों की बात अगर करें जो अभी जिन्होंने रिसेंटली अभी यूज़ करना चालू किया है सोशल मीडिया तो उनके लिए ये समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन से जो पेजेस हैं वो सही हैं, किन की बात सुनी जाए सोशल मीडिया पे, किन की बात नहीं सुनी जाए जी, जी, और अ, अ, मेरे हिसाब से सा तो एक बहुत सिंपल, सा, अ, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वेरीफाइड अकाउंट्स के थ्रू आप पता लगा सकते हैं लेकिन क्या ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो कितनी सच्ची होती है मुझे दिखाएं बुज़ुर्गों की अगर हम बात करें जैसे आपने बताया बुज़ुर्गों की बात करना तो बुज़ुर्गों के साथ जनरली केसेस क्या होते हैं कि साठ साल या पैंसठ साल के आसपास वो, वो रिटायरमेंट के एज पर आ जाते हैं या रिटायर कर जाते हैं बच्चे बाहर सेटल हो गए या बच्चे अपनी जॉब में बिजनेस में लग गए तो अब वो कहीं ना कहीं वो जो ओल्ड एज कपल है या हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक तो वो आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजारने लगते हैं तो अब वो आइसोलेशन वो एक आदमी जिसको मतलब पैंतीस साल जिसने गुजारी है ज़िंदगी अपनी बिजी लाइफ गुजारी है अब एक बैक आइसोलेशन में आ जाएगा तो उसके लिए परेशानी फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है तो अब वो 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 ये तलाश करता है कि भाई हम करें क्या किस तरह से अपना टाइम गुजारें तो वो फिर बहुत सारे जो मीडिया पे एप्स अवेलेबल हैं वो उस पर लॉग करके अपना अकाउंट बना लेता है लोगों से मतलब रैंडम लोगों से वो बात करने लगते हैं रैंडम लोग कुछ हेल्पफुल भी होते हैं कुछ ऑब्वियसली उनको आ, डैमेज भी करते हैं और खूब डैमेज करते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जो जो डैमेज कर रहे हैं काफी कुछ डर कर रहे हैं हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है मेरे फादर भी काफ़ी कुछ आ, आ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो मैं देखता रहता हूँ कि वो ट्रेंड किस तरह से आ, मुझे डैमेजिंग ज्यादा लगा जो ओल्ड एज कपड़े क्योंकि उनकी वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और सब कुछ वो फेस वैल्यू पे ले लेते हैं फेस वैल्यू पे लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो जो फेस हमें दिख रहा है सोशल मीडिया पे वो फेस वो फेस है फिजिकली अवेलेबल या वो फेस भी किसी और का लगा हुआ है सही बात है। तो हमें नहीं पता है कि एंड यूजर कौन, तो कौन है तो हम तो बस उसका चेहरा देखा हमने दोस्ती बढ़ा ली जी। और उसकी बातों पर यकीन कर लिया जी। तो ये है मामला जी ये, ये बात तब हो गई जब हम आ, किसी गलत ट्रैप में हम चले जाएं। हम समझ नहीं पाए जनरली हो जाता है फंसने के परसेंटेज ज्यादा है लेकिन तो। मैं एक बात आपसे यहाँ कहना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी like पहले कहीं जाना पड़ता था दूर, बहुत का डिस्टेंस करके। जी, जी, अभी तो इट्स वेरी सिंपल कि आप अमेरिका में बैठे किसी भी इंसान से आप म्यूजिक सीख सकते हैं आप कुछ भी कर सकते नहीं। हैं सो इट्स एडवांटेज जरूर है और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे एप्स हैं इवन सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत सारे ब्लॉग्स या ग्रुप्स ऐसे अब तैयार हो गए हैं कि भाई आपको एक रिसर्च पेपर की जरूरत है

तो उसमें सोशल मीडिया ने एक काफी पॉजिटिव रोल प्ले किया काफी पॉजिटिव रोल प्ले, प्ले किया बहुत सारे ग्रुप्स डेवलप किए सोशल मीडिया पे और वॉल्टियर्स आए और वॉल्टियर्स ने खूब मदद की मतलब लखनऊ की बात करूँ या दिल्ली की बात करूँ किसी एक बूढ़े आदमी को एक या किसी लेडी को एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन सेले, सिलेंडर की जरूरत है तो वहाँ पे उन्होंने किसी के थ्रू रिक्वेस्ट डाली और 10 मिनट में 2000 लोग आ गए ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए या एम्बुलेंस पे पहुंचाने के लिए ऐसे अगर आप वन टू वन कॉल करती किसी को तो हो सकता है कि वो रिस्पांस ना मिलता बली बट बली यहाँ आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी दुनिया देख रही है तो मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ पे अमेरिका uh, में एक बैठे हुए आदमी ने लखनऊ की रिक्वेस्ट देखी और उसने को फोन किया और उस ने उसके लिए काफी एडवांटेजेस कोरोना काल में तो काफी हेल्प हुआ है की वैक्सीनेशन के बारे में जो ज्यादातर लोगों को जागरूक किया गया है सोशल मीडिया के थ्रू इनफैक्ट अभी भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रही है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर वैक्सीनेशन अभी तक आपका नहीं हुआ है तो ज़रूर जाके वैक्सीन लगवाइए और जितनी जल्दी हम लोग सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे उतना जल्दी हम लोग आ, सुरक्षित, हो, सुरक्षित जाएंगे, हो जाएंगे एक जाएंगे। बिल्कुल आ, वैसी स्थिति नहीं आएगी जैसे पहले, पहले आई थी स्थिति ब्रेक में में बिल्कुल तो बिल्कुर, किस बिल्कुर। तरीके से आपको आपको लगता है है कि ये जो मीडिया है, ये जो क्या आपको ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन देख देख कर जैसे लोगों ने कुछ फोटोज डाली वीडियो डाली कि मेरा वैक्सीनेशन हो गया तो कई लोग तो बहुत इंस्पायर हुए इस चीज से कि इनका भी हो गया इनका भी हो गया चलो हम भी करो जी काफी काफी इंस्पिरेशन रहा है और ख़ास करके वो जो फोटो की जो टेक्निक डेवलप की थी आई एम वैक्सीनेटेड फर्स्ट डोज हो गया सेकंड डोज हो गया और फिर जब उन्होंने अपने किसी भी ऐप पे कोई भी ऐप सोशल मीडिया का ऐप हो या मोबाइल से बेस्ड ऐप हो तो जब उन लोगों ने वो तस्वीरें डाली हैं तो मैंने देखा रिलेक्टेंट पेरेंट्स रिलेक्टेंट जो रिलेटिव हैं जिनको तो नहीं 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 इससे कुछ नहीं होगा हाँ। या रिमोट एरियाज में भी मतलब बहुत सारे स्टेट्स के जो रिमोट एरियाज थे और तो उन्होंने जो है वो इंस्पायर किया लोगों को और प्रेशर दिया भाई देखे आप इतने लोग करवा रहे हैं बड़े लोगों के एग्जाम्पल डॉक्टर्स ने खूब करवाए जो बड़े, जी। बड़े बड़े लेवल पे डॉक्टर्स थे आ, उन लोगों ने खूब करवाए और वो फोटोज शेयरिंग हुई तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो विजुअल जो इफेक्ट होता है उसकी बात ही अलग होती है अगर हम फोन करके बोले तो एक अलग बात है यकीन आए या ना आए लेकिन अगर विजुअल इमेज दिखती है और Uh, तो स्पेशलिस्ट हुआ है। हुआ है। काफी, काफी का, uh, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ज्यादातर वक्त अपना सोशल मीडिया पे बिताने लगे है हम लोग एक सर्टेन एज पर आकर सोशल मीडिया यूज करने लगे थे लेकिन अभी क्या है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चा अगर रो रहा है तो मोबाइल दे देते कि चलो

बट अभी बहुत ज़्यादा है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए हैं बहुत साइड इफेक्ट्स हैं बच्चों के लिए तो का, काफ़ी ज़्यादा है बहुत सारे रिसर्च uh, ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सोशल मीडिया के एडिक्शन को लेकर जो है डिप्रेशन uh, है या फिर ए डी एच डी डिजीज़ है इनअटेंटिनेस uh, uh, है स्ट्रेस है इन से लिंक किया है और रिसर्च पेपर्स खूब पब्लिश हुए हैं फॉरनस में इंडिया में भी काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं जिन्होंने इसके नेगेटिव इम्पेक्ट्स हो खास करके बच्चों में या जो टीनेजर्स है, हैं क्योंकि टीनेज ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं वर्किंग लोग जो हैं या जो अपने बिजनेस में जॉब में इन्वॉल्व है उनका एडिक्शन ऑब्वियसली कम होता है या उनका जो आप जिनको कहें क्या लिमिट है लेकिन बच्चों को तो नहीं पता स्कूल है। स्कूल बंद है आजकल तो कोरोना में तो और ज्यादा और लिमिट उनको नहीं पता क्या कंटेंट देखना है क्या कंटेंट नहीं देखना है वो भी एक है और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं चलो ठीक है हमें दिखा देते हैं ताकि ये ये भी बिजी रहे और हम भी फ्री हो रहे हैं तो ये 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 है इट्स अ वेब ऑफ डिसीड डिपेंड करता है कि हमें क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है क्वालिटी को चुनना है हमें क्वान्टिटी के ऊपर सही बात है अभी आपने बताया कि जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है है तो उनका माइंडसेट में एक चीज आ रही है कि ये ऐसा होना चाहिए जी, जी। जैसे कि अभी हम लोग भी बहुत सारे फोटोज देखते हैं वीडियो देखते तो लगता है अरे सब घूम रहे हैं जी। सब बहुत खुश है अपनी जिंदगी में लेकिन हमें ये नहीं पता की पीछे लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है तो इसलिए ऐसे में कई बार ऐसा लगता है हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ काफी कुछ गलत हो रहा है सबकी जिंदगी बहुत खुश है हम हम बहुत दुखी हैं कई बार हमें डिप्रेशन एंजाइटी वाली चीजें भी हो जाती है जी जी बिल्कुल तो ये इस कंटेंट को किस तरीके से देखा जाए किस तरीके से आ, समझा जाए कि भाई ये सभी के साथ है जो हम सोशल मीडिया पर जो दुनिया देख रहे हैं मेरे हिसाब से वो पूरी तरीके से रियल नहीं है बिल्कुल बिल्कुल जी तो बिल् कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में ये आपने जो बताया कि भाई पूरी दुनिया घूम रही है लोग ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप स्पेन अमेरिका जा रहे है, हैं तो कहीं ना कहीं इसने कंपटीशन की जो एक भावना है उसको 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 एक्टिवेट कर दिया है लोगों में जैसे

मैंने भी कुछ किया और मैं भी इस 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 रैट रेस में जो शामिल हूँ लोगों के सामने एक तरह का ट्रैप हो ट्राप गया, गया है हाँ, कि खुश करने के लिए खुश, खुश भी कि... हम खुद हो रहे हैं नहीं हो रहे पता आ, नहीं लेकिन हम दूसरों को तो दिखाना चाहते हैं कि हम, कि हम, हम खुश, खुश हैं बिल्कुल 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 और ये नहीं कि पहले भी लोग ट्रैवल करते थे लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी लोग स्पेन अमेरिका इंग्लैंड घूमते थे और कोई इस तरह का फिजिकल फोटोग्राफ हैप्पीनेस होती थी <laughs> exactly. तो आप अभी भी अगर पुरानी फोटोग्राफ्स देखिएगा hmm. जो कलर्ड फोटोग्राफ या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स है तो आपको वो विजुअल इमेज देख कर उसमें जो हैप्पी क्वालिटी कंटेंट है वो ज्यादा दिखेगा नस्बत इन डिजिटल फोटोग्राफ्स बिल्कुल सही तो की देख लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को जानता हूँ तो जो दूसरों को खुश करने के लिए खुद का बजट इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं ताकि उनको लगे कि भाई मैं भी घूम रहा हूँ मैं, <laughs> मैं, मैं भी ये तो ये है ये कॉम्पिटिशन की भावना को काफ़ी ज़्यादा इसने एक्टिवेट कर दिया है पिछले दस सालों की अगर बात करें तो मैं देख रही हूँ इतना कंटेंट बढ़ गया है सोशल मीडिया पे आ, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो डांस वीडियोस बना बना के इतने फेमस हो गए हैं और एक तरीके से फुल टाइम जॉब करने लगे हैं तो ये ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि

मुझे लगता है कि ये जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है या पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा जो कंफ्यूज्ड होता है कंफ्यूज्ड जिसको पता नहीं कि हमें करना है क्या है अब जो उसको रेस में शामिल होने के लिए कोई भी डायरेक्शन अगर उनको समझाया जा रहा तो उस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं तो अब तरह-तरह के एप्स हैं उस पे वीडियो भी आ रहे हैं मीम्स बन रहे हैं आजकल तो खूब मीम्स बन जी रहे जी हैं जी और लाइक्स बढ़ रहे हैं और आवाज आपकी है, है। एक्टिंग किसी और की है, लेकिन <laughs> भी आसान भी सर आप देखिए ये भी बहुत अच्छी बात हो गई है कि अगर आप में थोड़ा भी टैलेंट है तो आप उसको शोकेस कर सकते हैं पूरी दुनिया में आप उसे कहाँ भी कहीं भी पहुँचा सकते हैं किसी भी अगर आप गाते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर तक डिफिकल्ट जी, जी, नहीं रहा है जी, 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 वही एक्टिंग आप ऑडिशन के लिए आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है जी जी ये जी ये भी एक हाँ ये ये एडवांटेज तो हुआ है कि अगर जो रियल टैलेंट है रियल टैलेंट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की उसकी जो मंजिल है जो सफर है वो कहीं ना कहीं शॉर्टन हुआ है है। जो जो बड़े जिन्हें आप गार्जियंस कह सकते हैं या पैटर्न है जो आर्ट और लिटरेचर के पैटर्न है वो वो सिलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं जिनको उन्होंने डायरेक्टली सिलेक्ट uh, करके पिक एंड चूज करके उठाया है और उन्हें ब्रेक दिया है बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसका 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 परसेंटेज एकदम नेगलेजेबल है सब दो चार केसेस से ज्यादा आपको नहीं दिखेगा तो शौक के लिए तो मुझे लगता है कि ठीक है बट फुल टाइम करियर डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है 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 वो क्या करना करना चाहता सही है। बात है। उसके लिए किस तरीके से यूज यूज तो वही बात हो गई कि दिखावे में ना जाकर आप अपने दिमाग से काम अगर लेंगे <laughs> तो आपको समझ आएगा कि भाई इसको मुझे करियर बनाना है तो मुझे कितनी काम करेंटली और आप देखेंगे आजकल के कुछ एप्स ऐसे मतलब एक्टिंग तो वो खुद कर रहा है तो अगर अगर आपको बनना है या रियल टैलेंट आपको दिखाना है तो आपको सारे वर्क खुद से करने हैं उसमें एक्टिंग तो वो खुद कर रहा है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक किसी और का है बैकग्राउंड लाफ्टर किसी और का है आवाज किसी और की वो निकाल रहा है हाँ। तो मेरे हिसाब से वो फिर वो टैलेंट का जो कम्पलीट शोकेस है वो नहीं हो पा रहा है जी जी। अगर आपको करना है तो सब कुछ खुद से करना है जी। तो है ही बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है इसी के साथ जैसे हमारे जो बिजनेसेस हैं बहुत सारे जो स्टार्टअप हो रहे हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने बारे में बताने के लिए कि किस तरीके से हमारी कंपनी काम करती है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है मैं देखती हूँ कि जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं या छोटी से छोटी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स हैं कोई भी है वो सब लोग सोशल मीडिया पे मौजूद जी, जी, कि आ, हमारी कंपनी इस तरीके से काम करती है हम ये ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कहीं कहीं ना कही उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप नए, को कर रहे नए को कर कि आप यूथ तक पहुंच रहे हैं जी, जी, और होते कही कही अट्रैक्ट होते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल आप मतलब की बात करें वो पॉजिटिव है पेजेस uh, पे लोग अपने बिजनेस प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, आईडीज बना के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और फिर वो मैंने देखा है कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं कि जब उनके पास ऑर्डर्स आने लगे तो वो ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं फिर वो ऑर्डर्स पर्टिकुलरली कस्टमाइज हो जाते हैं रीजन के बेसिस पे कि भाई नॉर्थ के साउथ में ये चार ये चार से चल रहे हैं ईस्ट में तो वेस्ट से yeah, exactly, exactly yes, में सेंट्रल में, 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 में। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज किया और ये कस्टमाइज करने के लिए ये जो सोशल मीडिया फीडबैक मिला है या उन्होंने जो अपना रिसर्च किया है सोशल मीडिया इससे उन्हें आसानी हुई नहीं तो क्या होता था पहले माल आप या जो प्रोडक्ट्स आप प्रोक्योर कर लेते थे ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रोडक्ट जो है आपका सेल आउट हो गया सेवेंटी फाइव परसेंट नहीं हुआ क्योंकि आपका जो दूसरे रीजन में जो जो प्रोडक्ट्स की जरूरत है वो वो आपके पास नहीं है और आपने दूसरा प्रोडक्ट रखा है

ऑलमोस्ट uh, सारी बड़ी कंपनिया कहीं ना कहीं मार्केटिंग uh, uh, में हाँ। और सेल्स में सोशल मीडिया मैनेजर या तो वो रख रही हैं या पार्ट टाइम भी अपने किसी स्मार्ट एम्प्लॉ को रख कर वो इस्तेमाल करवा रही हैं तो तो मार्केटिंग तो धड़ल्ले से चल रही है जी। और ऑब्वियसली काफी फायदा हो रहा है, काफ, हो रहा है। बट कहीं ना कहीं इसका एक निगेटिव साइड भी है निगेटिव साइड ये जो हमारे आ, रिटेल आउटलेट्स थे वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं अब हमें दाल चावल या जो भी इस तरह की ग्रोसरीज हैं वो सब एप्स पे अवेलेबल है तो कहीं कही ना कहीं जो आपके मतलब मोहल्लों में या नेबरहुड्स में जो छोटी दुकानें थी

जो बैंकिंग जो हमारी सोशल मीडिया साइट्स में जुड़ गई है कहीं ना कहीं हम हमारे अकाउंट को आ, आ, हमने लिंक किया, लिंक है। किया हुआ है एग्जैक्टली exactly. exactly. तो ये मुझे कभी-कभार ऐसा लगता है कि अगर आप किसी बहुत ही रेपुटेड साइट पे अगर आपने किया हुआ है तभी तक ठीक है जी अगर आपने ये देखकर कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ सस्ता मिल रहा है बहुत ही सस्ता मिल रहा है चलो यहां भी कर देते हैं तो वो काफी मेरे साथ काफी इसकी है और मैं आपको बताऊं कि बड़े-बड़े भी जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनके बहुत सारे क्लोन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्लोन्स अवेलेबल हैं, और वो सब कुछ सारे उनकी जो सेटिंग है या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है अगर आप आप देखेंगी सोशल मीडिया एप्स पे या या वेबसाइट्स पे तो आपको लगेगा अच्छा ये, ये फिलहाल बिजनेस बिज़नेस हाउस है आपसे वो ट्रांजैक्शन भी करा लेंगे बाद में पता चलेगा आप तो ट्रैप में फंस गए हैं आपके जी साथ जी तो, आपके साथ तो फिशिंग हो गई आपके तो पैसे निकल गए और प्रोडक्ट को तो कभी आएगा ही नहीं हाँ, तो कॉल्स आती हैं क्योंकि आपका सारा डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे आपके आपके फोन नंबर अवेलेबल है ईमेल आईडी अवेलेबल है फिजिकल एड्रेस रेसिडेंशियल एड्रेस सब अवेलेबल है तो क्लोन्स बन रहे हैं आराम से और क्लोन्स से वो वो

ताकि आप किसी ट्रैप में ना फंसें बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप Uh, यहाँ पे आए आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारे यूथ को एनलाइटन किया बाकी सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान है या अभिशाप ये हमारी समझ पे डिपेंड करता जी, जी, है हमारा निष्कर्ष यही निकला दिल्कुण, है दिल्कुण, बात का दिल्कुण, कि दिल्कुण, अगर हम उसे समझदारी से यूज कर रहे हैं जिम्मेदारी से यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमारे लिए वरदान है हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा हमारा टैलेंट भी आगे बढ़ेगा हम खुद भी आगे बढ़ेंगे लेकिन अगर हम समझ नहीं रहे हैं अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें बाकी ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स पे बात होती रहेगी युवक तरंग में अभी के लिए समय आ गया है आपसे विदा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू